Hello guys, good morning again. Welcome to the Engineering Solution Channel. So, पहले हमने बात किया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, उसके लिए कौन सा बुक अच्छा है. मैंने आपको कुछ स्पेशल बुक्स दिखाए थे उसके लिए. तो आज हम और एक टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. कई कई इस सब्जेक्ट को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, जो अगेन बहुत मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. तो मैकेनिक्स के बाद ये सब्जेक्ट आता है, क्योंकि मैकेनिक्स में हम जो पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल नॉलेज हमें मिलती है, वो हम यहाँ अप्लाई करते हैं. तो लेट्स गो अगेन सम ब्यूटीफुल बुक्स फ्रॉम मेनी इंडियन ऑथर, फॉरेन ऑथर, एडवांस बुक्स एटसेट्रा. सो पहले बेसिक बुक की बात करते हैं. तो ये आ गया हमारा पहला बेसिक बुक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय आर के राजपूत. ओके, सो ये एस्चान पब्लिकेशन का बुक है. बहुत ही अच्छा बुक है. आप इजीली इस बुक को फॉलो करके इसका जो नॉलेज है आप गेन कर सकते हैं. इजीली सिंपल वे में लिखा गया है, कोई ज़्यादा आड़ी चेड़ी या फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है. तो उसके बाद और एक सिंपल बुक की बात करते हैं. ये आ गया आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑथर बाय आर के बंसल. अगेन ये इंडियन ऑथर है और इसमें बहुत ही सिंपल वे तरीके से लिखा गया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट में बिल्ड करने में जो मतलब इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं ये सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. तो उसके बाद हम कुछ एडवांस बुक के बारे में बात करते हैं, जिसमें भी कुछ एडवांस टॉपिक दिए गए हैं, जो कि आप मान लीजिए बीटेक के बाद आप एमटेक में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल रहेंगे. तो उसके लिए पहला बुक मैं लेता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय SS रतन. तो ये बुक मैं कैसे कहने वाला हूँ कि थोड़ा एडवांस वर्जन होने वाला है इन बुक में कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड और लैंग्वेज जो दिए गए हैं वो थोड़े से टॉप क्वालिटी के हैं. यानी कि जो इंग्लिश में अच्छे हैं उनके लिए तो ये बुक अच्छा है, लेकिन जो इंग्लिश में थोड़े नीचे कैटेगरी है उनके लिए थोड़ी दिक्कत आने वाली है. तो उसके बाद मोस्ट एडवांस बुक्स और पॉपुलर बुक भी हम जो कहते हैं, इसका नाम है एडवांस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड LS श्रीनाथ. तो ये बुक एमटेक में भी यूज होता है, बीटेक में भी यूज होता है और इसको एडवांस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते हैं. ये एक एडवांस बुक हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. लेकिन इस बुक में बहुत अच्छे लैंग्वेज में दिया गया है. अब अगर चाहते हैं जो एमटेक पढ़ रहे हैं जो अभी, वो इस बुक को जनरली फॉलो करें. इसमें आपको बहुत टॉपिक मिल जाएंगे जो कि आपको पढ़ने के लिए और नॉलेज बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. और इसमें से मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. तो डेफिनेटली इस बुक को आप पढ़िए, फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे. तो ये मैंने आपको बता दिए चार बुक जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे. आप भी जरूर पढ़िए और अपना नॉलेज बिल्ड कीजिए. तो थैंक यू, आज का वीडियो में इतना ही था. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. गुड बाय, सी यू.